चूड़ी नहीं तेरे ब्राउन रंग ने, हनी का जो गाना आया, हम लोग टीवी पे आते हैं, फिल्मों में आते हैं, लोग पहचानते हैं, मशहूर होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना गाना कहीं पर रिलीज नहीं किया, सिर्फ इंटरनेट पे डाला और आज उसके 40 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हनी सिंह स्टेज के पीछे कितने फनी है ये मैं जानता हूं, लेकिन लोगों ने तकरीबन इनको सिर्फ परफॉर्म करते देखा है। पाजी कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आप जगह जगह शोज करते हैं, इतना स्ट्रगल किया है, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो कि जिसको सोच के बाद में आप भी हंसे होंगे, यार ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि वो आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। तो जयपुर में शो बुक कर लिया, 2012 की बात है, जब ये एल्बम हिट हुई थी जी, शुरुआत ही हुई थी सब। तो हम लोग होटल में पहुंचे, हमारी सिक्योरिटी थी बाहर मेरे साथ, मेरे सिक्योरिटी वाले लड़के होते, 7-8 लड़के रूम के बाहर खड़े हैं, सब कुछ दोपहर का वक्त है, मैं चेक इन ही करा मैंने रूम के अंदर, और मैं बैठा ही हूँ तो ऐसे ना दो बिल्कुल सिविल में प्रॉपर कमांडो से लग रहे थे वो, सिविलियन से, और यहाँ पे उन्होंने असला लगाया हुआ, बंदूक लगाई हुई, और ऐसे आ गए। कौन हनी सिंह, कौन है तू? है मैं कहा हाँ जी, क्या हो गया भैया, क्या करता है तू, कौन है? मैं कहा भैया क्या, तो पता कौन हूँ मैं? मैं कहा नहीं भैया नहीं पता, हम ATS है, एंटी टेररिस्ट कोड, यहाँ पे हमने IPL करा लिया, शाहरुख खान आ गया, हमारी ड्यूटी लगाई, तू है कौन? मैंने कहा सर मैं हनी सिंह हूँ। गाता क्या करता है तू, तूने पागल कर रखी है, जयपुर सारा बंद कर रखा है तूने, ATS बुलानी पड़ेगी इनको, कौन है तू? मैं कहा जी आपके घर में बच्चे हैं? हाँ है, दो कर रखे हैं मैंने। हाँ। तो मैंने कहा उनसे पूछ लो। एक मिनट रुक, गुड्डू ये हनी सिंह कौन है? चीख का कर रहा है। तो वहां पे ऐसा कुछ होने लग गया, तो जब शो हुआ तो शाम को कह रहे हनी भाई वो फोटो ना करा लेगा भाई मेरे छोरों से। तो अब जब भी राजस्थान जाना होता है, चाहे उदयपुर की तरफ जाए, चाहे जयपुर की तरफ जाए, चाहे बीकानेर की तरफ जाए, उनको फोन करते हैं, हाँ जी भैया क्या हाल है, ठीक हो? अगर ड्यूटी दोगे तेरा भाई तू ना आइयो शहर में। तो मुझे ऐसा लगता है कोई स्टारडम नहीं है या कोई मैं सुपरस्टार नहीं बन गया हूँ, वो ना मुझे मेरा साथ कनेक्शन जो मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान में जब शोज किए, तो हम भी जाते थे जब मीका बाजी के या बाकी आर्टिस्टों के शोज होते थे, मैंने खुद मीका बाजी के 3-3 शो देखे हैं, आगे धक्के खाए हैं बहुत, मैं ये सब करता था शुरू से, बड़ा शौक था सिंगरों के प्रोग्राम देखने, आर्टिस्ट कोई फिल्मी एक्टर आया तो उसको देखने जाना यार, तो हम पहले ये दौर होता था कि स्टार को देखते थे या कोई या किसी एक्टर को देखते थे, तो लोग स्टक हो जाते थे वहीं पे और वो देखते रहते, शोर मचाते थे, देखते रहते थे। मेरे साथ मैंने कभी ऐसा कनेक्शन नहीं देखा, मैंने देखा वहां से छलांगे पड़ रही हैं ऊपर को, और कोई सिक्योरिटी वाला क्यों रोक रहा भाई हमारा, यार हमारे जैसा लगता है, देख ना हैंडसम भी ना है। ये बड़ी सही बात कही इन्होंने। मैंने देखा कोई और स्टार होते ना, लोग उनसे पूछते हैं, कोई टीवी स्टार या कोई फिल्म स्टार होता है, जैसे हनी सिंह के केस में ऐसा है, हम लोगों के साथ भी कोई पूछता ही नहीं, सीधे जफी डाले फोटो खींचना। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, एयरपोर्ट पे ना ट्रॉली चलाने वाला लड़का था, तो मैं कहीं जा रहा था फ्लाइट लेके, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो फोटो खिंचानी होगी, तो मैं भी पीछे चल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। उसका जब तक फोन आ गया उसका, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, फोन सुन रहा है, हाँ वो तो आधा घंटा लेट है, हाँ तो इधर उधर जा रहे साथ में, मैं भी पीछे पीछे, मैं तो भाई। तो लोगों को अपनापन लगता है, और वो जरूरी भी है पाजी, जरूरी है वो लगता है, तो इसीलिए लोगों ने आज आपको सर आंखों पे बिठाया।